हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूपी गवर्नमेंट अपने उज्जैला के सभी कस्टमर को 1260 रुपये उनके बैंक अकाउंट में दे रही है। तो ये 1260 रुपये कैसे मिलेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो रिफिल अमाउंट भेजा गया है उज्ज्वला कस्टमरों को, वो एस डी एम से कैसे चेक कर सकेंगे कि उनके अकाउंट में पैसा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑन कर लें कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कस्टमर की ई केवाईसी होना चाहिए और बैंक खाते में ACTC होना चाहिए, यानी आधार लिंक होना चाहिए। उसी के अकाउंट पे ये पैसा, यानी उसी को एक रिफिल का लाभ मिलेगा, जो 935 जो भी रेट रहेगा रिफिल का, वो मिलने वाला है उसके बैंक अकाउंट में उज्ज्वला कस्टमर को। तो अगर किसी कस्टमर की हमें डिटेल चेक करनी है कि उसके बैंक अकाउंट में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, तो मैं SDS में आपको बताता हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि उसके अकाउंट में पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। तो चलिए मैं SDS ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। तो SDS ओपन करके रिलेशनशिप में जाएंगे और यहाँ पे हम कस्टमर को सर्च कर लेंगे। तो सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर का हम LPG ID, कंज्यूमर नंबर या मोबाइल नंबर डाल कर सर्च कर लेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर चलिए मैं कंज्यूमर नंबर डाल के कस्टमर को सर्च करता हूँ। सर्च किया और यहाँ पे हमें रिलेशनशिप ID पे क्लिक करेंगे। रिलेशनशिप ID पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर हम चेक कर लेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर कस्टमर ने किया है, मतलब दीपावली यानी नवंबर के महीने में अगर रिफिल कराई है कस्टमर ने, तो उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुँचा है। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि वो बैंक अकाउंट में पैसा पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि कस्टमर का EKYC होना चाहिए और उसका जो सब्सिडी स्टेटस है वो स्टार्ट होना चाहिए, होल्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कस्टमर को देख सकते हैं, EKYC फ्लैग टिक है, यानी इसकी EKYC कंप्लीट है। डेट भी दे रहा है, अगर EKYC नहीं तो EKYC कंप्लीट फटाक से करा लीजिए, अभी EKYC हो रही है। और सब्सिडी स्टेटस यहाँ पे होल्ड नहीं होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा, यानी उसके बैंक अकाउंट में पैसा पहुँचेगा। अब इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उज्ज्वला कस्टमर का लोन अमाउंट हो गया, सब्सिडी उसके अकाउंट में पहुँच रही है कि नहीं पहुँची, अगर उसका लोन पे हो गया है तो सब्सिडी चेक कर सकते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे कोरोना काल में पैसे मिले थे, वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट की अगर जो भी चीज़ें हैं, तो आप स्टेट स्कीम रिजर्वमेंट करके है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिफिल का स्टेटस है वो यहाँ पर देख सकते हैं, वो पैसा जो उसके अकाउंट में पहुँचा है ये रिजर्वमेंट अमाउंट है। इसके बाद ये रिफिल अमाउंट 934 रुपये 50 पैसे जो रेट है वो हो गया। और सब्सिडी, अगर जिस भी कस्टमर का लोन अमाउंट पे हो चुका है तो उसको सब्सिडी का और रिफिल का दोनों का लाभ मिलने वाले, यानी 1259 रुपये होता है वो उसके खाते पे मिलने वाला है लाभ। तो बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आपका EKYC अगर आपने 2016 या 19 वाले कस्टमर हैं तो आपको फटाक से पहले EKYC करा लेना। इसके बाद अपने बैंक खाते में चेक करा लें कि आधार लिंक है कि नहीं लिंक है, अगर लिंक है तो आपको अपनी रिफिल बुक करनी है और इस योजना का लाभ लेना है। तो गाइज, मेरे चैनल पे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा कि आपको कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उज्ज्वला से रिलेटेड, इंडियन ऑयल से रिलेटेड, और भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मेरे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी मैं अपडेट देता रहता हूँ, तो वहाँ भी जाके आप मुझे फॉलो और ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लें। बस अपना प्यार दिखाते रहें छोटे भाई को। थैंक यू, मिलते हैं।